लुधियाना सब्जी मंडी की नजायज पार्किंग वसूली को लेकर रेड़ी फड़ी वालों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे काफ़ी बड़ा जाम लग गया, जिसका खमियाजा सुबह काम पर जाने वाले राहगीरों और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ा। सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरु कमल सिंह द्वारा धरना प्रदर्शन करने वालों को धरना खत्म करने का आग्रह किया और विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों को मार्केट कमेटी अफसर को बताकर जल्द हल किया जाएगा। इस मौके क्या कहना था पीड़ित रेड़ी फड़ी वालों का, जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से रमन गिल की रिपोर्ट। लिखिया 15 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उसके डबल तो ट्रिपल ले रहे हैं। इधर कोई सुनवाई नहीं है। 20 के बदला 50, 50 के बदला 100, इना दे बस अपने मर्जी चल रहे हैं। ऐसे कर में जाम लग गया यहाँ पर। इतना जनता जिन्हें भी है कि 2 रुपए 4 रुपए करके पैसे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे आके मर्जी के पैसा दे रहे हैं। कोई ना पीछे सुनने वाले नहीं है, उन्हें कोई बोल रहे हैं। तो शिकायत नहीं की थी किसी अफसर से? शिकायत क्या करना है, शिकायत करो, मार्केट में जाते हैं ना, फिर वही हाल कर। अभी गए खुशा वाले के, कहते सिगरेट दो, सिगरेट लिए मेरे सामने, सारा सामान खिला के आ गए। शिकायत कर दी है, 2-4 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाते हैं। पीछे पहले 70 रुपया कर दिया, 10 दिन के बाद फिर 30 रुपया का रोज कर दिया। उस तो पहले टेम्पो वाले 100-100 रुपया भी ले लेंगे यार, जो तो अपना मर्जी। एक बार जाओ आओ फिर पर्ची दो, जितने बार आऊँगे उन्ने बारी पर्ची दो। 24 घंटे कल 3 चक्कर लाया खाली गड्डे, 3 चक्कर कोई जरूरी सिगा, खाली करेंट पर आना सिगा, 3 चक्कर में पैसे लिया भी 30-30 रुपया साले।